अजंता म्यूजिकल 360 डिग्री सीरीज घड़ी में 360 डिग्री मूवमेंट बदलने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर और नट ओपनर। सबसे पहले हम बैक कवर को खोलेंगे। बैक कवर में दिए गए सारे स्क्रूज को खोलना है। साइड में दिए गए स्क्रू को भी खोलना है। स्क्रू खुल जाने के बाद इस तरह से हमारा बैक कवर अलग हो जाएगा। उसके बाद फ्रंट ग्लास और शोपीस निकालने के लिए दिए गए स्क्रू को खोलेंगे। स्क्रू खोलने के समय आगे की तरफ सपोर्ट देके रखना है ताकि ग्लास गिर ना जाए। इस तरह से हमारा ग्लास अलग हो जाएगा। उसके बाद अब हम 360 डिग्री मूवमेंट को निकालेंगे। उसके लिए वायरिंग डटी को बाहर खींचेंगे। इस तरह से हमारा वायरिंग अलग हो जाएगा। वायरिंग अलग हो जाने के बाद आगे की साइड जो 360 डिग्री रोटेशन व्हील है उसे खींचेंगे। खींचने के बाद जो नट दी गई है उसे नट ओपनर की मदद से खोल लेंगे। नट खुल जाने के बाद पीछे की ओर से मूवमेंट को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा 360 डिग्री रोटेशन मूवमेंट निकल जाएगा। उसके बाद अब हम नया 360 डिग्री मूवमेंट फिट करेंगे। उसे फिट करने के लिए उसकी दी हुई जगह पर रख के आगे की ओर नट को टाइट करेंगे। नट टाइट हो जाने के बाद जो रोटेटिंग व्हील है उसे पुश करके फिट कर देंगे। फिट हो जाने के बाद मूवमेंट का और पावर स्टैंड का वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए मूवमेंट का ब्लैक वायर और पावर स्टैंड का ब्लैक वायर को जोड़ेंगे। फिर वायरिंग कैप से फिट कर देंगे और वायरिंग कैप की जो दी गई जगह उसमें रख देंगे। उसके बाद मूवमेंट का और पावर स्टैंड के रेड वायर को कनेक्ट करेंगे।
उसे भी वायरिंग कैप की मदद से फिट कर लेंगे। वायरिंग को समेट कर सही तरह से रख लेंगे। इस तरह से हमारा 360 डिग्री रोटेशन मूवमेंट चेंज हो गया है। ग्लास को फिट करने के लिए ग्लास को उसकी जगह पर सही तरीके से रख के साइड शोपीस को फिट करेंगे। साइड शोपीस फिट करके पीछे की ओर साइड शोपीस के स्क्रू को फिट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ग्लास फिट हो गया है। उसके बाद अब हम बैक कवर को फिट करेंगे। बैक कवर फिट करने के लिए उसे उसकी सही जगह पर रख कर अच्छे से अलाइन कर लेंगे और अंदर दिए गए स्क्रू को टाइट कर लेंगे।